तो मुझे यहाँ अपने ब्रेथ पर पूरा कंट्रोल करना है, मुझे बॉडी को चेक करना है, वॉच करना है पूरा। मेरे शोल्डर टाइट तो नहीं है, रिलैक्स है। मेरी एल्बो डाउन रहती है ऐसे ही, रिलैक्स है। मेरे हाथ रिलैक्स है। यहीं पे मैं बेनिफिट्स को विजुलाइज करूँगा। स्टेबिलिटी आ रही है, डेडिकेशन डेवलप हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पेशेंस आ रहा है, ये सब बढ़ रहे हैं और मेरा ब्रीथ साउंडलेस है। ऐसा ही साउंडलेस मेरा ब्रीथ हस्तोत्तरासन में भी रहना चाहिए। उसके बाद इन्हें एडजस्ट करूंगा, पीछे जाऊंगा, इन्हेल कर कमर को पीछे दिखे एडजस्ट किया। लॉन्ग डीप एंड स्लो साउंडलेस था। एक्सहेल यहाँ पे एडजस्ट हो गया मेरे पैर, ठीक है, एडजस्ट करके एक्सहेल करेंगे दोबारा। दोनों हाथों को बराबर बैठी कर ऑल बॉडी लेवल में रखो, आंखों को बंद कर लेंगे। नी शुड बी स्ट्रेट एंड रिलैक्स। ब्रेथ शुड बी हर एक जलेशन के साथ प्राप्त कर रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सर को टच नहीं करना है, कर सकते हैं लेकिन माथा टच घुटनों पे बोलते ना, यदि घुटनों पे मैं माथा लगाऊंगा तो ये कमर निकल जाएगी। जैसे हमें नीचे जाना, छाती को लगाना है, छाती को घुटनों से टच करना, वो हो गई, ठीक है। सामने फोर पहले पैर को एडजस्ट करूंगा, नीचे फिर भी साउंड नहीं आ रही, हम कह रहे हैं ऐसे करते, ऐसे नहीं करना, यहां से ही जाएंगे। क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी बनी हुई है तो मेरा पैर वहीं जाएगा जहां जाना चाहिए, मुझे एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब मैं हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर इफेक्ट करूंगा और मैं 10 मिनट भी रहूंगा तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें बॉडी वेट को ऐसे अच्छे से एडजस्ट करते हैं। ब्रिज शुड बी हर आसन में ऐसा ही होना चाहिए। शिवरिंग नहीं आएगी, शिवरिंग को खत्म कर देगी ये टेक्निक। आप फाइव पूरा उंगलियों को खोल के यहाँ से जाऊंगा और इसको भी फोल्ड करके उसके पास, ठीक है, इतना ही गैप रखेंगे और बॉडी को पीछे पुश करेंगे। फाइव सिक्स में नी चेस्ट एंड चिन। ब्रीद ऑल्सो लॉन्ग डीप ब्रीथ। सेवन पैरों को फ्लैट कर देंगे, हाथ वहीं रहेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत है। शोल्डर डाउन, चेस्ट बैक पे इफेक्ट, पूरी कोनिया नहीं खोलेंगे क्योंकि हमें नाभि तक कोई शरीर को उठाना है। एट माउंटेन नाइन
फिर पैर को उठाएंगे बिना आवाज के। फिर पैर को उठाएंगे बिना आवाज के वापस लेंगे। फिर पैरों को एडजस्ट कर सकते हैं, फिर पीछे रहें। ये एडजस्टमेंट तब तक करनी पड़ेगी आपको जब तक कि आप अच्छे से नहीं कर पाते। जब आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी अच्छी हो जाएगी तो फिर आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। 11 एकदम से कभी नहीं जाना। 10 से जब आते हैं तो यहां से जब आते हैं तो यहां पर रुको, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन नीचे है बॉडी में, एकदम से ऊपर जाके आप पीछे कर रहे हैं, मतलब 180 डिग्री कर रहे हैं ना, घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर रुकिए। उसके बाद जब ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर रुकिए, एकदम से 11 पे नहीं जा रहा है। एडजस्ट करिए, रिलैक्स करिए, इनहेल करिए, स्माइल।